क्या बात है, ये जिंदगी में कीवी अभी नहीं तोड़ा हमने। जब तक ये लेमन मैं ना निचोड़ूं जब तक मुझे जो है ना वो सुकून नहीं मिलेगा। ड्राइड प्लम, सम वेजिटेबल्स, ड्राइड प्लम, बटर एंड मीट बॉल्स। ये भाई डॉक्टर राहिल, हाउ वाज द सर्जरी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया तबारक और बाकू की एक बहुत ही खूबसूरत क्लाउडी मॉर्निंग है, ठंडा ठंडा मौसम है और आज हमारा सफ़र है बाकू से लनकारन के लिए। लनकारन एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है आज़रबैजान का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे हम स्टे करेंगे लनकारन स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में, जो कि बहुत ही लग्जरी, बहुत ही हसीन रिजॉर्ट है और रात में हमें वहाँ पे खाना भी खाना है कुछ स्पेशल। तो आज का ये सफ़र भी बहुत ही यादगार होने वाला है। बाकू से तकरीबन 3 घंटे लगते हैं लनकारन पहुँचने में, तो अपना सफ़र शुरू करते हैं और लनकारन चलते हैं। तो फिर चलें। हाँ, रास्ते में हाईवे पे रुके हैं भाई। ये हाईवे है बाकू का और हाईवे के ऊपर ये सुपरमार्केट बनी हुई है। यहाँ से हम जरा कुछ चिप्स विप्स ले लें, छोटी चटर पटर ले लें जरा। यार ये हलाल है? हलाल है कि नहीं है? एक ये पकड़ते हैं राहिल भाई, और एक जरा नए फ्लेवर को ट्राई करना चाहिए। फ्लेवर तो है लेकिन हमारे मुंह को, लेकिन हमारे मुंह को मसाला भी लगना चाहिए। एक ये भी ले लेते हैं, मसाला भी ले लो। ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ रखी हुई है भाई, ये देखें आप, हॉट डॉग्स, बंस, ब्रेकफास्ट की चीज़ रखी हुई है। हेलो हेलो, सुपर मार्केट पे ये नट्स की है। फ्रॉम पाकिस्तान? ओ ब्रदर, पाकिस्तान ब्रदर, प्लीज गिव मी दिस। एंड हाउ मच इज दिस नट? नट, यस, हाउ मच? 4 manat, 4 manat, 4 manat, ओके, 21, ओके। Are these chips halal? Halal? Yeah, halal, definitely. It should be somewhere here halal. Yeah, halal. Shishlik, this is Muzdalifah. भाई ये चिप्स का जो पैकेट हमने लिया है ना, ये बड़ा वाला पैकेट, ये तकरीबन 3.5 manat का है। इट मीन्स ये कि तकरीबन बने 350-400 rupees। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पे चीज़ें, या ये कह लें कि आप हमारी करेंसी जो है ना वो बहुत डीवैल्यू हो गई है। और ये मैंने नट्स भी लिए हैं, ये है 4 manats का, एंड 4 manats इज़ अराउंड 500 rupees। तो ये सीन है भाई। ये जो रिवर है ना, इसका नाम है क्यूर रिवर, और ये तुर्की से शुरू होता है, जॉर्जिया से होता हुआ, अजरबैजान से होता हुआ, फिर ये कैस्पियन सी में गिर जाता है। और पीछे हम आ रहे थे तो ग्रीनरी थी, आगे जाते जा रहे हैं तो जो दरख्त हैं ना वो भी ऑटम वाले कलर्स में आते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं लनकारन, वहाँ पे ज़रा ट्रॉपिकल वेदर होगा। तो बड़ा ही खूबसूरत सीन है ये, और बड़ा ही मध्यम सुरों में जो है ना वो दरिया बह रहा है, ज़बरदस्त। हम पहुंच गए भाई लनकारन, और सबसे पहले हम आए हैं सिट्रस वैली में। सिट्रस वैली मींस कि यहाँ पे सारे जो सिट्रस फ्रूट हैं, लेमन, कीनू, कीवी, मौसम्बी वगैरह वगैरह, वो सब इस सिट्रस वैली में लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रीजन है ये लनकारन, और यहाँ पे सर्दी भी जो है ना वो ठीक ठाक हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश हुई थी, सब कुछ गीला गीला हो रहा है। बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली जो है ना वो कहाँ देख रही है पता है आपको? बिल्ली देख रही है यहाँ सिट्रस वैली के अंदर। हम आए यहाँ पे, ये फ्रूट सारे जो है ना वो तोड़ के इन्होंने रखे हुए हैं। ये आई थिंक दिस इज, व्हाट इज दिस? लेमन। लेमन, इतने बड़े बड़े लीमू हैं यार। अच्छा अच्छा, ये वो है फ्रूटर, फ्रूटर ऐसा लग रहा है ये फ्रीजर से निकाला है। हाँ, जितना ठंडा है ना यार। This is pumpkin jam. Pumpkin jam. Okay, first. What its name? Try I because I'm trying to find its name in English. खट्टा मीठा है यार। खट्टा है यार। भाई ये खूबसूरत सी हसीन और जमील सिट्रस वैली का एंट्री टिकट है 2 manats, और यहाँ पे बास्केट्स लगी हुई हैं। आप जाएं, फ्रूट्स तोड़ें, वापस आएँ, इनको बास्केट दें, उसका वज़न करेंगे और फ्रूट्स के हिसाब से आपको बिल बता देंगे कि कितना हुआ।
चाय आ गई है हमारी और चाय के साथ यहाँ पे जैम है, कीवी जैम। कावा चाय आती है ना, ये कावा इसके साथ कुछ ना कुछ मीठा होता है, स्पेशली जैम या फिर वो चीनी के क्यूब्स, कीवी जैम। सारे जो जैम थे ना वो बहुत मीठे हैं। कद्दू मैं वैसे नहीं खाता हूँ लेकिन जैम के अंदर ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ लग रही है। यहाँ पे कुछ खाने की तैयारी हो रही है। लवंगी, लवंगी, लवंगी इज अ ट्रेडिशनल लोकल फूड for Lenkeran city. Oh. Ah, yonder. Can okay, I go inside? Let's go yes. inside there. Oh, oh, oh. Yeah, bhai, yeah. Ye aag lagayi ja rahi hai bhai tandoor mein. Yeah, in Baku they use gas, but here in Lenkeran तंदूर में भाई आग लगा दी गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही बड़ी आग लग गई है और ये इतनी बड़ी चिमनी इसकी बनी हुई है क्योंकि ये नेचुरल तंदूर है, लकड़ी से ही में ही खाना बनता है सारा। ये ले भाई, ये जो मास्टर शेफ़ लग रही है मुझको आंटी जो है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे गए, बटर, सॉल्ट, ये इनके लोकल जो मसाले वगैरह होते हैं वो यहाँ पे पिसा हुआ मेरे ख्याल में धनिया अदरक वगैरह है, और भी कुछ चीज़ें हैं, वॉलनट्स हैं इसके अंदर, पत्थर है, यहाँ पे एग है, ये कोई एक चीज़ है ऐसी, और ये जो है चिकन इसके अंदर स्टफ्ड होगी। यहाँ पे ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, उधर जो है वो एग प्लांट रखे हुए हैं, ऑयल रखा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये जल रही है आग बहुत ही ज़बरदस्त। Traditional food in Azerbaijan and in Lenkeran. It's also used for pepper and salt. After salt, we use pepper. Bu ise alça turşusudur. It's a plum sour, mashed or smashed the plum, cherry plum, and it's also they added red pepper. Sweet red pepper. Yeah. Soyuğun üstüne tekrar. It's marinated. Okay. This is lavangi. How to prepare lavangi? Olduğuna göre şimdi onu toyuğun karnına koyabiliriz. Okay, now we can fill, we can stuff lavangi inside of the chicken. Belediyelere karnına, toyuğun karnına, kuşun karnına. चिकन रेडी हो गई है भाई हमारी। अब चिकन जो है वो तंदूर जब हमारा पूरा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर इस चिकन को डाल दिया जाएगा। तंदूर के अंदर ये लवंगी आंटी ने तैयार की और उसको पूरे तरीके से इसके अंदर स्टफ़ कर दिया है। ये स्टफ़ चिकन बन गई है बेसिकली और पूरा प्रोसेस हमने देगा। थैंक यू सो मच। और ये चिकन के साथ भी बनेगी, एग प्लांट के साथ भी बनेगी और ऑमलेट के साथ भी होगा। भाई इन्होंने बताया अभी कि ये जो फ्रेश एग प्लांट हैं इनको बीच में से काट के प्रोसेस करके इसको जो है ना वो बॉयल किया जाता है। तो ये हमें सिर्फ प्रोसेस बताया है, इसके बाद इसमें नमक लगा के बॉयल होने के बाद ये ऐसी शक्ल हो जाती है इसकी, इसमें टाइम लगता है। इसके अंदर फिर ये जो लवंगी है इसको स्टफ कर देंगे थोड़े से डिफरेंट मसालों के साथ और फिर ये रेडी हो जाएगा। चिकन हमारी चली गई है भाई तंदूर के अंदर। तकरीबन एक डेढ़ घंटे तक उसको स्टीम के अंदर पकाया जाएगा। पूरे तंदूर को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे ऑमलेट भी हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है अभी, और इसके बाद ये जो एग प्लांट है ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये जो आंटी हैं बेसिकली ये ओनर हैं इस पूरे सिट्रस वैली की, और उन्होंने ही सारा खाना भी कुक किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतने सारे कीवी लगे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये पूरी जो है ना झुक झुक के जाना पड़ता है इसके अंदर, इस तरह से यूँ झुक झुक के जाना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ जो है ना वो नीचा है।
निखे बिन बुखारा मख्त दा गजदार दा ये देखो कभी जिंदगी में जिंदगी में कीवी अभी नहीं तोड़ा हमने फर्स्ट टाइम या दिस इज द फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का यहाँ पे सिट्रस फूड है ठंड बहुत हो रही है ज़्यादा देर बाहर घूम नहीं सकते अंदर चलते हैं खाना भी रेडी होना हो गया होगा भाई हमारा ये एकदम लाल हो गई लाल हो गई है होगी इतनी खाने टेस्टी हां लग रही है बहुत टेस्टी होगी करेंगे क्या बात लेकिन बिल्कुल इन गली लग रही है ओ ये भाई साहब इधर रख के जा कोई सुना कोई सुना दे और ये रोटी रोटी लगा दी पूरा पेड़ ही लगा दी आई वांट टू ट्राई वन मोर टाइम ये आ गई भाई हमारी चिकन मैंने बोला क्या सर सर माशाल्लाह माशाल्लाह ओके भाई खाना आ गया माशाल्लाह आ गया सब हो गया बड़ी आ गया सारा चिकन विकन ये वो सब प्लेट हमने अपनी बना ली है और सबर बिल्कुल नहीं हो पा रहा भाई स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं टेस्ट करते हैं जबरदस्त है भाई दाल वाले बने थोड़ा सा लवंगी जो है ना खाली लवंगी उसके साथ चावल मिला के टेस्ट कर रहा हूँ मैं लवंगी के साथ मिला के जो है ना वो राइस ज्यादा अच्छा लग रहा है आई थिंक खाली राइस जो है उसका खाली राइस थोड़े से फीके हैं हाँ। लेकिन इनके खाने होते इसी तरह के है ना अभी तो भाई मैं तो चिकन पे जा रहा हूँ लेकिन लवंगी जो है वो एक डिफरेंट आया वॉलनट के साथ जो है ना चिकन के साथ टेस्ट करते हैं चिकन के साथ राइस मजा आ रहा भाई काफी सारे जो इन्होंने मसाले डाले ना उन सबका जूस उस मीट के अंदर बड़े खुशबूदार वैसे मैं तो थोड़ा सा राइस लवर हूँ इस वजह से मैं तो चावलों के साथ सैंडविच के साथ खाते हैं हमने पहले खाया है हर्ब्स के साथ हाँ ये वाला है लवंगी के साथ लवंगी के साथ वॉलनट आज का हाईलाइट जो है ना वो लवंगी है अब ये बैंगन ट्राई करते हैं भाई इसको क्या कहते हैं बितिंजन बदमजान बदमजान बादमजान लवंगी चिकन के बाद बादमजान लवंगी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी मजेदार राइस जो है ना वो मुझे थोड़ा खिचड़ी की तरह से लग रहे हैं जैसे नॉर्मल हमारी खिचड़ी होती है राइस थोड़े से उस टाइप के हैं नंबर वन इज चिकन फॉर मी नंबर वन इज चिकन नंबर टू इज बादमजान नंबर थ्री इज भाई बहुत ही आला बहुत ही मजा आया और अभी खाना फिनिश करेंगे उसके बाद फिर हम होटल जाएंगे क्योंकि सुबह से निकले हुए चेक इन करेंगे रेस्ट करेंगे जबरदस्त खाना था हाँ जी हम पहुंच गए हैं लनकारन स्प्रिंग्स रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी तो ये देखने में इंशाल्लाह का आला सुबह जो है ना इसका दिन में विजिट करेंगे ठीक से यस थैंक यू रूम है हमारा 717 ऑलराइट यस प्लीज थैंक यू भाई थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है हमने और अब उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे लॉबी में वहाँ पे हमारी टीम भी इंतज़ार कर रही है कुछ खाने का सीन है शेफ़ वहाँ पे हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे देखते हैं क्या सीन है भाई ओके सो एवरीवन इज़ हियर नाउ वी आर गोइंग अप टू द 9th फ्लोर मिलेगा स्पेशल विलेज पाकू में भी हमने देखा और यहाँ पे भी जो भी फेस्टिवल होता है उसको बड़े ही भरपूर तरीके से मनाया जाता है तो यहाँ पे भी हमें हर जगह जो है ना वो क्रिसमस ट्रीज और जिंगल बेल्स और यहाँ हम जाते हैं इधर क्या सीन है ओह वाओ
डार्क आउटसाइड। देखें भाई उधर बारिश हो रही है। हाइजीनिक फर्स्ट, हाइजीन फर्स्ट। हम लोग किचन में जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू माय ब्रदर। किचन में जा रहे हैं उस आई एम बॉडी बिल्डर मैन। यू नीड अ बिगर साइज। ओह दिस इज वेरी स्मॉल फॉर मी। दिस इज सो टाइट भाई। लैब कोट्स पहना दिए हमें। किचन में हम जा रहे हैं यार। ये तो आप भी सलमान खान बन गए यार। भाई देखे ना ये मछली नजर आ गई भाई हमें। फिश, ये वॉलनट, वॉलनट वाला है। और ये जो है तुलसी कबाब, खट्टा होगा इतनी चाहिए। एग प्लांट, एग प्लांट एंड गार्लिक पिलाफ, फिश पिलाफ, फिश पाम, फिश पिलाफ। या या ओके। डॉक्टर राहिल, हाउ वाज द सर्जरी? या ही इज सक्सेसफुल टू। ये फिश आ गई है हमारी, पुलाव आ गया है हमारा, और चिकन आ गई है। This is stuffed. This is local levengi. Levengi. İçinde, içinde. Acha, acha. ये भी भाई चलो levengi stuffed fish आई है। Balık levengi. This is also with levengi? Yeah. भाई जब तक ये लेमन में ना निचोड़ूं जब तक मुझे जो है ना वो सुकून नहीं मिलेगा। ये चीज़ लेमन सामने हो तो निचोड़ना वैसे ही सवाब का काम समझ जाता है। जो अब जो माहौल बनेगा ना पूरी फिश के ऊपर, ये लेमन और नार शराब। ये शराब जो है वो अल्कोहल वाली नहीं है, ये एक स्पेशल सॉस होता है। ये सीधा किसी चीज का भी जूस निकाले उसको शराब कहते हैं। ओके भाई, फिश आ गई है हमारी पम्पकिन पुलाव स्टीम्ड फिश के साथ, और उसके साथ ये देसी चिकन की लेवेंगी। लेवेंगी थोड़े से मैं ये स्टीम्ड फिश के साथ ये राइस लेता हूँ। स्मोक्ड फिश। यस, एंड आवर शेफ इज हियर। थैंक यू शेफ। फिश, सम चिकन, इसमें भी ये देखें ये लेवेंगी जो है ना वो ये स्टफ्ड लेवेंगी। भाई ये लेवेंगी के लिए स्पेशल फ़िश होती है कुतुम, और ये कैस्पियन सी में ही होती है, और उसी के अंदर जो ये लेवेंगी फ़िश बनाई जाती है। राइस के साथ मैं इसको टेस्ट करता हूँ। लेमन तो हमने बड़ा ज़बरदस्त स्क्वीज़ कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिश इज़ अमेजिंग शेफ। फिश का अपना टेस्ट राइस के साथ, और जो लेमन और वो जो नार शराब, ये नार शराब बेसिकली शराब ये नहीं होती, शराब शरबत को भी कहते हैं। ये इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप किसी को कहना हो ना तो ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ फ़िश विदाउट नार शराब। कोई चीज़ ख़राब हो तो उसको ये कहा जाता है, यानी कि फ़िश के साथ ये जो नार शराब, ये जो ये सॉस है ये मस्ट है। अनार जो है वो खट्टा होता है, और यहाँ पर ये अलग से भी जो है ना वो अनार सर्व किए गए। ये देसी चिकन है, देसी चिकन। देसी चिकन को तो मैं ऐसे ही टेस्ट करूँगा भाई। हार्ड देसी चिकन, लवेंगी एंड राइस एंड कुकू वॉलनट, कुकू वॉलनट, कुकू वॉलनट, कुकू। थैंक यू। अखरोट कुकू एंड वेजिटेबल। और ये वॉलनट कुकू जो हमने दोपहर में भी ट्राई किया था, ये जो पूरा मील है ये सारी की सारी ट्रेडिशनल डिशेज हैं। स्पेशली मैंने ये तुर्श कबाब जो है ना ये टेस्ट करने हैं। तुर्श कबाब तुर्श कबाब समझे गोश्त की ही पूरी पूरी बॉल्स बनाई गई हैं। हल्की सी खटास है क्योंकि तुर्श नाम ही उसका तुर्श कबाब है। वेजिटेबल ड्राइड प्लम बटर एंड मीट बॉल्स, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। बनकारन स्प्रिंग्स रिजॉर्ट इज़ अ 5-star रिजॉर्ट, लेकिन अगर आप स्टे यहाँ पे नहीं कर रहे तो सिर्फ आप खाना ट्राई करने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं, और 9th floor पे जाके ये मज़े मज़े की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि भाई मेरा ये मानना है कि जिस जगह पे भी जाएँ आप, नई जगह पे जाएँ तो वहाँ की अगर आप लोकल डिशेज़ नहीं ट्राई करेंगे तो फिर
क्या फ़ायदा। और ये लोकल डिशेज आज़रबैजान की आर सिंपली अमेजिंग, वेरी नाइस। जी तो इसी मज़ेदार से आज़रबैजान के लोकल खाने के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया भाई आज के दिन में, और उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।